त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि चुनाव के दौरान जेल से छूटे हुए अपराधियों एवं अन्य प्रदेशों से वोट देने अपने गांव आने वाले व्यक्तियों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। आपराधिक और असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी तथा किसी भी घटना पर वैधानिक कार्रवाई के साथ शरण देने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ पहचान कराकर ही मतदाताओं को वोटिंग करने दिया जाएगा, जिससे कि मतदान के दिन चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया। देखिए, नंबर एक तो अपराधी एवं अपराधी पृष्ठभूमि के लोग पंचायत चुनाव में बाहर से गाँव तक आएंगे या गांव में कंटेस्ट करेंगे, ये सब पुलिस मॉनिटर कर रही है। पंचायत चुनाव में वोटिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट 80-90% के ऊपर रहता है। इसका मतलब ये है कि बाहर का जो नौकरी पेशा आदमी भी, जो बाहर मजदूरी कर भी रहा होगा, बाकी अन्य कोई भी बिजनेस में कर रहा होगा, पंचायत चुनाव में अपना वोट देने आते हैं, तो ये हमेशा रहा है। ऐसे में जो अपराधी पृष्ठभूमि, अपराधी इतिहास वाले जो बाहर से आएंगे, उनके ऊपर सख्त निगरानी रखा जाएगा, उनके खिलाफ़ निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और उनके सहयोग एवं शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, जहां तक मास्क लगा के वोटिंग करने और पहचान छुपाने की बात, यह है कि देखिए, मास्क एक प्रिवेंटिव वो है कि जो कोरोना से हम बचे रहें, इसलिए मास्क पहनते हैं। चुनाव जब वोट डालने जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उसके पहचान करा के ही वोट डालने दिया जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी मास्क पहन के आके वोट डाल दे।